हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल। ओके, सो बेसिकली दो मेथड्स होती है, जिसमें पहली मेथड है बैलेंस मॉड्यूलेटर और दूसरी मेथड होती है रिंग मॉड्यूलेटर। ओके, सो बैलेंस मॉड्यूलेटर से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा डीएसबीएससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए दो एएम मॉड्यूलेटर यूज में आते हैं, जो एक दूसरे में बैलेंस फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बैलेंस मॉड्यूलेटर का ब्लॉक डायग्राम उसको देख लेते हैं। सो ये ब्लॉक डायग्राम है बैलेंस मॉड्यूलेटर का यूज करके डीएसबीएससी सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको समझा दूं, ये है मैसेज सिग्नल। ओके, सो यहाँ पर मैसेज डायरेक्टली ऊपर वाले जो ए पहला ए मॉड्यूलेटर है उसमें डायरेक्टली हम एमटी को फीड कर रहे हैं, और नीचे वाले मॉड्यूलेटर में एमटी में 180 डिग्री फेज शिफ्ट करना है। ओके, फेस शिफ्ट करके ये जो एम टी है, अगर उसमें 180 डिग्री का फेस शिफ्ट होता तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एम टी में। ओके, फिर इसे फिट करेंगे हम दूसरा जो ए मॉड्यूलेटर है। ओके, ये लोकल ऑसिलेटर है। ओके, जो कि कैरियर की तरह यूज में आएगा इन दोनों ही मॉड्यूलेटर में। अब इन दोनों मॉड्यूलेटर के आउटपुट पर हमें ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ओके, जो ऊपर वाले ब्लॉक से मिलेगा उसे एस डैश ए एम टी से डिनोट करा है, और नीचे वाले ब्लॉक से मिलेगा एस डबल डैश ए एम टी। ओके, उसके बाद ये दोनों सिग्नल जाते हैं समर पे। समर पे ये ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें, ऊपर वाला सिग्नल और नीचे वाले का, और यहां पर डीएसबी सिग्नल हमें मिल जाएगा। ओके, अब एस डैश ए एम टी इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये होगी ए सी इंटू वन प्लस के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। और नीचे वाले से जो ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो इक्वेशन आएगी एस डबल डैश ए एम ऑफ टी, ये होगी ए सी इंटू वन माइनस के ए एम टी इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ओके, क्योंकि हम यहां पे इसके इनपुट में मैसेज माइनस एम टी दे रहे हैं, तो यहां पर माइनस एम टी आएगा। अब इक्वेशन में पुट कर दें हम ये फाइनल वाली, तो हमें डीएसबी एस सी सिग्नल वहां पर मिल जाएगा। सो एस डीएसबी एस सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू, यहां पर सबसे पहले एस डैश ए एम की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि ये है, और फिर हम एस डबल डैश ए एम की वैल्यू पुट करेंगे। तो दोनों की वैल्यू पुट करने पर हमें यहां पर मिलेगा ये, और फर्दर हम इसे सॉल्व करें तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारे पास डी एस बी एस सी सिग्नल की, वो होगी ए सी ट्वाइस ए सी के ए एम टी कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी। ओके, अब इस इक्वेशन को हम जनरल डी एस बी एस सी की इक्वेशन से कंपेयर करें तो उसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर जो ए सी डैश है इसकी वैल्यू बराबर होगी ट्वाइस ए सी के ए। ओके, सो ये था बैलेंस मॉड्यूलेटर के द्वारा डीएचबीएससी सिग्नल को जनरेट।